यमुनानगर की प्रोफेसर कॉलोनी के दिल्ली हेयर सैलून पर सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। आज 12 बजे के करीब कार सवार अज्ञात बदमाशों ने सैलून पर हमला बोल दिया और 4 राउंड फायर किए। फायरिंग होने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुँच कर गोलियों के खोल भी बरामद किए हैं और दुकानदार से पूछताछ जारी है। गोली का है, एक लड़का उसने 4-5 फायर करे थे, यहाँ भी बच गए, गोली तो लगी थी, उसका विशु है जी, विशु लड़का है, कोई नशे की धुत में था जी, वो बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता पतंग, उसने दुकान के शीशे तोड़ दिया, बड़ा नुकसान कर दिया जी, जी कोई रंजिश नहीं थी जी हमारी उसके साथ। तो कितनी गोलियाँ चलाई उसने? 4 फायर मारे उसने, 2 मौके पर मिल गया जी, 2 अंदर शायद पड़े हो गए, अंदर 4 लोग थे जी, 3 हम थे, एक लड़का कटिंग करा रहा था जी। हाँ जी, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी हमारे साथ, हम तो जानते भी नहीं कौन है वो, विशु वो छोटे वाला भाई बता रहा जी। उसके साथ कोई हुई हो? कोई बात नहीं जी, उसकी पहले आया करता था वो दुकान पर, ना कभी नहीं आया मैं दुकान पर। यहाँ पर फायरिंग हुई है, सूचना पर हम यहाँ पर आए मौके पर, हमने देखा तो ये सलून पे 2 लोग फायर किए हुए हैं, जो अफजल नाम का जो लड़का है उसने बताया कि मैं प्लस वन में पढ़े करता, प्लस वन पढ़ते उस समय उसके 2018 में कोई सुलाना है उसके साथ, उनका आपस में स्कूल में झगड़ा, किसी बात पर झगड़ा हो गया था, उसी रंजी के कारण आज जो बता रहा है उसने मेरे ऊपर फायरिंग किया। तो इसके भाई के साथ, छोटे भाई के साथ होता था, वो 9th में था, ये प्लस 1 में था उस टाइम 2018 में। मोटरसाइकिल पर आए हैं दो लड़के हैं, तो हम इनकी स्टेटमेंट पर मुकदमा दर्ज करते हैं। अभी इन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं ली है, ना इन्होंने बताया है, बाकी इन्होंने ये कहा था कि मेरे को 5 साल पहले मेरा एक दोस्त था, कोई रिश्तेदार, मतलब इसमें जो उसने बताया था भी ऐसे ऐसे चौक चलाना है, लेकिन इसकी भी गलती है, इन्होंने पुलिस को इंटीमेट करना चाहिए था, मैंने मैंने ये सूचना मिली है जिसे हम और उससे पहले ही बता सकते। तो सर फायर के दौरान मिले हैं, अभी तो शीशा भी टूटा हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मतलब फायर से टूटा है या किसी उसे टूटा हो, हमारी वो टीम आएगी और टीम चेक करते, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। हाँ, 2 फोन।